सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले इनकोरेट टैबलेट्स के बारे में। इनकोरेट टैबलेट्स का क्या यूज है, कब इसको यूज किया जाता है, कितने दिनों का यूज किया जाता है, यूज करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज करने से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन अलगी है, किस प्रकार काम करता है, उसका डोज और ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, वे टैबलेट्स का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए, वे टैबलेट्स का इस्तेमाल करते समय क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, तो इनकोरेट टैबलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या भी आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं इनकोरेट टैबलेट, जो कि हमारे पास 10 गोली का स्ट्रिप है, जिसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP 38.45 यानी कि 38 रुपये के करीब इसकी MRP है। इनकोरेट टैबलेट्स को सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नाम से कंपनी है और बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन भी बनाती है। इनकोरेट टैबलेट्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन से सोडियम वालकोरेट्स कैस्ट्रो रेसिस्टेंस टैबलेट्स IP बोलो तो इंडियन फार्माकोपिया। इनकोरेट टैबलेट्स के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है उसके पावर ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके अंदर जो सोडियम वालकोरेट्स है वो 200 mg इसके अंदर डाले गए हैं। इनकोरेट टैबलेट्स का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल मिर्गी यानी कि दोहरे पड़ना या फिर माइग्रेन और बाइपोलर डिसऑर्डर के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनकोरेट टैबलेट्स का इस्तेमाल मिर्गी या दोहरे या फिर माइग्रेन से बचाव या बाइपोलर डिसऑर्डर के इलाज के लिए इसका टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनकोरेट टैबलेट्स का डोज और डोसेज की बात करें तो इसका डोज और डोसेज आपकी एज और वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है और वेट कितना है, और इसका डोज और डोसेज अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। अगर आप इसको कंटिन्यू बेस पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं यानी कि अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल नहीं करें, कंटिन्यू बेस पर इसका सेवन किए जा रहे हैं तो कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। साइड इफेक्ट में आपको हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, आपको चक्कर आना हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपको स्लीपिंग आना हो सकता है, या फिर आपका वजन बढ़ना हो सकता है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, या फिर आपको कब्ज हो सकती है, आपको घबराहट हो सकती है, या फिर आपको फीवर वगैरह हो सकता है, या फिर आपको अपच वगैरह हो सकता है, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इनकोरेट टैबलेट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। इनकोरेट टैबलेट्स किस प्रकार काम करता है यानी कि हाउ टू वर्क्स इनकोरेट टैबलेट्स। इनकोरेट टैबलेट्स के अंदर जो दवाई रहती है यानी कि सोडियम वालकोरेट्स, वो एक एंटी प्लेटलेट्स दवाई है। यह ब्रेन में नर्वस सेल्स की असामान्य और अत्यधिक एक्टिविटी को कम करके दौरों को नियंत्रित करता है। इनकोरेट टैबलेट्स का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है, अभी ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, या कोई पेशेंट जो कि एल्कोहल का कंज्यूम करता है, या कोई पेशेंट जिनको लीवर या किडनी से जुड़ी कुछ डिसीज है, तो इन कंडीशन में इनकोरेट टैबलेट्स का इस्तेमाल नहीं करें। और इनकोरेट टैबलेट्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन से फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करें, अपने मन से इनकोरेट टैबलेट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। इनकोरेट टैबलेट्स के बारे में कुछ भी डाउट हो हमारी कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी है वहां पर बताएं। इनकोरेट टैबलेट्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्प लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी टैबलेट्स का इस्तेमाल करने के पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।